ये शरीफ सा दिखने वाला बच्चा अब तक चार कटका चुका है। ओमाए वा मो शिंदे इरु। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी मुझको निकलना है यहाँ से मंदिर, क्योंकि आज है शिवरात्रि। आप सबको हैप्पी शिवरात्रि मेरे तरफ से, ठीक है। एंड अभी हमारे को निकलना है 4:30 बजे। मेरे दोस्त आएंगे, दो दोस्त आने वाले, तो थोड़ा लो करके बात कर देंगे, क्योंकि सुबह के 4 बज रहे हैं। वैसे बंदे उठ चुके हैं, बट अपने तरफ से लगता है बाकी की नींद ख़राब करना चाहते ना, इसलिए थोड़ा लो, ठीक है। मैंने मुँह धोया, ये देख लो, मैंने मुँह धो लिया। अब ड्रायर भी है, पंकज का लेके आया था, तो उससे बाल सुखाते जल्दी से। एंड अभी दोस्तों का इंतज़ार करते हैं, सो फिर उसके बाद चलते हैं। और ये कुर्ता पजामा मैं पहन लूँगा। मैं देखो कितना मस्त कॉटन का जो है ये मैंने सिलाया, और ये देखो ऊपर से ऐसा है कुछ, इसमें कॉलर कूलर नहीं है। सो फाइनल लुक देख सकते हो कैसे आ रही है, एकदम मस्त है ना। अब ऐसे में देख सकते हो गाइस, थोड़ी बस 5 मिनट रहते हैं, उसके बाद मेरे दोस्त भी आ जाएंगे नीचे, फिर चलेंगे। तो गाइस देख सकते हो मैंने धूप भी ले लिया, इसके अंदर माचिस भी है, तो फिर चलते हैं। चलो देखो गाइस, ये बोंगा बच्चा 4:30 बोल के 5 बजे आ रहा है, ठीक है ना। आज नहीं आ रहा, पता नहीं यार उसका, चल दे। तूने फोन नहीं किया मेरे पे, नंबर गया उसका, दूसरे वाला है नंबर मेरे पे। चल फिर चलते हैं गाइस, चलो चलते हैं। देखो क्या सुनसान गली, आ हा हा हा। लाइन देखोगे ना, मैं आपको अभी लाइन दिखाता हूँ आगे भाई, वहाँ से लेके वो आगे तक, बहुत ज़्यादा आगे तक भरी पड़ी है लाइन। देखो अभी तो बहुत कम है, अभी यहाँ से लेके वो उधर पीछे बहुत ज़्यादा वहाँ तक लाइन होती है। हम दूध लेना भूल गए थे, तो अब हमने दूध लेना है और दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। तो अभी हम दुकान जा रहे हैं, तो वहाँ से ले आएंगे। बस जैसे आप सभी देख सकते हो, ये देखो बादाम ये छील रहे हैं, और ये देख लो बहुत सारे बादाम हैं जो अभी हमारे को छील लें। तो ये छीलने के बाद उसके बाद हम घर चलेंगे। अब वैसे हमने सुबह हम आए थे 4:30 बजे, और तब से हम सेवा कर रहे हैं, और अब जाके बस ये बादाम छील लें, उसके बाद मिलेगा भांग वाला दूध, तो बहुत ज़्यादा मस्त होगा, ठीक है। तो घर में ले जाऊँगा मैं, यहाँ तो नहीं पीऊँगा मैं, थोड़ा थोड़ा सा पीऊँगा, बाकी मैं घर में दे दूँगा। और बस अभी ये छील लेते हैं, इसके बाद फिर ग्राइंड होएगा सब कुछ मिक्स करके, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस बाद में, बाय बाय। मैं तब तक बादाम छील लेता हूँ। तो फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से, रवाना हो रहे हैं अपने घर की ओर। एंड
हमारा दोस्त भी मिल गया है, थोड़ा सा मोटा है बट चलेगा। और कैसा है? चलो गाइस वो देख सकते हो कितनी लंबी खासी भीड़ चल रही है वहाँ तक, और गाय माता वाव। एंड अब हम जा रहे हैं घर, 9 बज रहे हैं और अभी हमने, हमारा प्लान है कि कुछ भी प्लान नहीं है। What are you talking about, man? कुछ भी। हमारे को मिल चुका है अपना दोस्त सिलेंडर एंड भट्ट। चलो भाई अभी इनको लेके चलते हैं, चलो चलो अब इनको लेके चलते हैं और इनको मजा करवाते हैं वहाँ के। और गाइस यार ये देखो यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, भांग के पकोड़े। चलो कहाँ ये क्या भांग के पत्ते खाएगा इसको? ओ भाई यहाँ तो सारे के सारे दोस्त ही मिल रहे हैं। तो गाइस यार ये देखो मेरे कितने ज्यादा मैले कपड़े हो गए, ये देख लो, ये देख लो और ये देख लो, बहुत ज्यादा मैले कपड़े हो रखे हैं। तो अब यहाँ से हम दूध पीते हैं, 2 गिलास दूध पियेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। तो चलो चलते हैं घर, चलो। तो गाइस अभी तक हमने ना 500 से भी ज्यादा पैकेट फाड़ चुके हैं दूध के, और फाइनली अब जाके सबर का फल जो है मीठा होता है तो मिल चुका है, तब इसको पीते हैं। तो गाइस अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी है, तो यहाँ पे भी अभी सेवा चल ही रही है और हम अब हम जा रहे हैं घर। चल ले वे, रुक मैं भी 1 गिलास दूध ले लेता हूँ, उसके बाद जाते हैं। गाइस किस तरह गटका रहा है बच्चा, ये शरीर से दिखने वाला बच्चा अब तक 4 गटका चुका है। ओमाए वा मो शिंदे इरु। वीडियो के एंडिंग में यहाँ बिस्तर पे लेटे लेटे कर रहा हूँ कंबल के साथ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना, बंदे नए चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर जाओ, वो जो लाल वाला बटन है ना उसको दबा के जाओ, ठीक है। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो मैंने देखा यार, एंड बस मैं यही कहना चाहता हूँ आगे भी सपोर्ट करते रहना। और एक कल परसों एक वीडियो आएगी, वो ज़रूर से देख लेना, अगर जो जो मेरे सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो जरूर से देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। और बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलेगा इस नए वीडियो में किस नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.